नमस्कार मिडकैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दरा मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी दिल्ली स्टूडियो से। बाजार में एक बार फिर से रिकवरी देखने को मिली है और निफ्टी 8700 के ऊपर ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 8719 का स्तर इस वक्त देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर भी 28000 के आसपास ही कारोबार होते हुए देखा, यानी कि एक बार फिर से मजबूती है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट, लगभग एक अंक की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। मिड कैप के कुछ गेनर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर अच्छी तेजी है, बैंक्स खासतौर पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में। इंडियन बैंक ऑलमोस्ट 4% की तेजी है। ओबीसी, पेज इंडस्ट्रीज, ओबरो रियलिटी, कैनरा बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला है। लेकिन मिड कैप के कुछ लूजर्स भी हैं। अपोलो हॉस्पिटल में कमजोरी देखने को मिल रही है। यूनाइटेड ब्रिवरीज, एबीबी, बायोकॉन, यहाँ पर कुछ कमजोरी देखने को मिली है। इंडियन होटल, इसके अलावा नेशनल मेट्रो स्टॉक्स, यहाँ पर भी नजर आपको रखनी होगी। लेकिन किस तरह से आप अपने सवाल भेज सकते हैं एक बार तरीका आपको बता दें। बहुत ही आसान तरीका है, मिडकैप हमारा कोड है, लिखकर आपको भेजना है 57575 पर। साथ ही ऑनलाइन के जरिए भी अपने नंबर्स, आप अपने शेयर्स पर सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। पहला नंबर टोल फ्री है 1800-1803545। साथ ही लैंडलाइन नंबर नोट करें 01204258237। व्हाट्सएप के जरिए भी दर्शक अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। शेयर का नाम लिखें, अपने स्टॉक का नाम लिखें, किस भाव पर खरीदा है वो लिखें और भेज दें उसे इस नंबर पर, स्क्रीन पर दिया हुआ है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं आज के शो में। फेसबुक के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं, यानी व्हाट्सएप के साथ साथ फेसबुक के पेज पर जाकर आप अपने सवाल पूछें। जो URL है वो आपकी स्क्रीन पर है, facebook.com/zeebusinessonline। इस पेज पर जाकर आप अपनी शेयर्स पर क्वेरीज ले सकते हैं। लेकिन फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इस दौरान कहां पर आप दाम लगाएं, यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या होने चाहिए, फेस्टिव सीजन में किन सेक्टर्स में तेजी जारी रहेगी। मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल मानते हैं कि प्राइवेट बैंक्स, NBFCs में जारी रह सकती है तेजी। NPA और कैपिटल की कमी से PSU बैंक्स में दबाव देखने को मिलेगा। देखिए, ग्रोथ फ्रंटियर तो आपका जैसे अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या NBFCs हैं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनके पास 2/3 ऑफ द मार्केट है, वो थोड़ा सा कैपिटल एडिक्वेसी या करंट ट्रांजिशन जो हो रहा है या NPA का जो प्रॉब्लम है उसके कारण से दे आर नॉट एबल टू कैप्चर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। सो पूरा का पूरा ग्रोथ जा रहा है 1/3 ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, दैट इज प्राइवेट NBFCs एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो वो एक सेगमेंट जो है बहुत अच्छा चल रहा है। फिर दूसरा आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आफ्टर 10-15 ईयर्स ऑयल प्राइस आर हाफ एंड गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चेंजेस किए हैं अबाउट डीरेगुलेशन ऑफ द ऑयल प्राइसेस, फिर सब्सिडी निकालने का, ये सब काम जो है गवर्नमेंट इज़ परसिस्टिंग। सो जो पॉलिसी का कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनके पास जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सो दैट इज़ वन सेक्टर। एंटायर HPBP IOC ये सब कंपनीज बहुत अच्छी चल रही हैं। इवन रिलायंस का रिजल्ट आपने देखा बहुत अच्छा है। तो ये पूरा जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो बहुत अच्छा चल रहा है। फिर आप जाएंगे तो ऑटोमोटिव इज़ डूइंग वेरी वेल, सरप्राइजिंगली। पूरा का पूरा आप देखिए कार डिमांड या टू व्हीलर डिमांड इज़ वेरी वेरी रोबस्ट। मारुति के पास 4-6 महीने का वेटिंग लिस्ट है फॉर क्वाइट अ फ्यू प्रोडक्ट्स। तो वो एक सेगमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, उसके चलते उसके जो कंपोनेंट कंपनीज हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसा यू हैव टू कीप फाइंडिंग वेयर ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। Sure, you have seen high profile, recommendation from high profile guest, और यहाँ से चलते सीधा संजीव बसीन फ्रॉम इंडिया इन्फोलाइन का रिकमेंडेशन फॉर दिवाली क्या है, ये सुन लेते हैं। आज के आप में दो नाम लूंगा, गेल और NTPC। दोनों PSU हैं लेकिन दोनों बेस्ट ऑफ शेप में हैं, एंड आई थिंक यू कैन सी अ 20% अपसाइड इन बोथ दी स्टॉक्स। दीज आर वेरी वेरी सेफ स्टॉक्स, दे हैव शोन यू द वर्स्ट ऑफ द वोज ऑफ द सेक्टर। हमारे हिसाब से यदि ये निफ्टी में आउट परफॉर्म करेंगे। और दो मिड कैप में नाम आपके लिए ही, NBCC जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, उसमें आपको मौका मिला था कि सरकार ने अपना 15% निवेश बेच दिया है। सबसे अच्छी ऑर्डर प्रॉफिटेबिलिटी और विजिबिलिटी गोइंग इन टू Tier 1, Tier 2 कंस्ट्रक्शन। सेकेंडली गोदरेज प्रॉपर्टी, बोथ प्लेस अगेन ऑन रियलिटी एंड कंस्ट्रक्शन, जहां हमें लगता है 2017 में आपको बहुत अच्छे गेन्स मिलेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टी और NBCC 50% अपसाइड बाय नेक्स्ट दिवाली। ऑलराइट, तो बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी पसंद क्या है वो आपने सुनी। लेकिन अब दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं हमारे साथ। तो पहले दर्शक हैं फोन लाइन पर अमित केदारी जो कि पुणे से हैं। अमित जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है। और कब की खरीदे अगर आप रिकॉल कर पाए? ओके, 3 मंथ्स का नजरिया है आपका। ऑल राइट, और एक शेयर है जो मुरुडेश्वर फिरंग है, 1200 शेयर है, एंट्री रुपए 25.25 पैसे। फिनोलेक्स की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मुरुडेश्वर फिरंग।
ऑलराइट, चलिए अनंत राज पर ले लेते हैं सवाल. 56.30 इनकी खरीद है, ऑलमोस्ट 1.5% की मजबूती आज के सेशन में, इनकी बाइंग से ऑलमोस्ट 1 रुपया ऊपर है. लोकेश उपल और राजेश तांबे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं. लोकेश, आपसे सवाल लेना चाहेंगे. इन्होंने मेंशन किया था 3 महीने का इनका नजर, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से जानना चाह रहे हैं, तो एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से क्या सलाह रहेगी, टारगेट क्या देख रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में? वेरी गुड आफ्टरनून पल्लवी जी. जैसे कि हम देख सकते हैं कि अनंतराज में वी हैव सीन अ सेलर फ्रॉम द लेवल्स क्लोज टू 65 एंड देन वी सॉ सपोर्ट जोन क्लोज टू लेवल्स ऑफ 46 एंड 49. यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसमें कंसोलिडेशन हो रही है, विच सिंपली इंडिकेट्स कि इसमें अच्छा मोमेंटम बना हुआ है. आपने पोजीशन को फिलहाल होल्ड कर लीजिए फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 65 एंड कीप अ वेरी क्लोज स्टॉप लॉस क्लोज टू 52 रुपीज. 52 रुपीज इसकी क्रूशियल सपोर्ट जोन है. अगर ये स्टॉक 52 के नीचे ट्रेस करेगा तो वहाँ पे एक सेल ऑफ देखा जाएगा. तो 52 का स्टॉप लॉस डाल के अपने 65-68 के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड कर लीजिए. श्योर, होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट्स इन अनंतराज विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 52, ऐसा लोकेश की राय है, और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को 65 और लेवल्स तक भी देख सकते हैं. मूविंग ऑन, अगले कॉलर है हमारे साथ आशीष फ्रॉम जयपुर. नमस्कार आशीष जी, आपका सवाल पूछिए. नाम आशीष है और मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी रिसेंटली मैंने ट्रेड किया था जिसमें SBI के 50 शेयर खरीदे थे 259 में. मुझे राय जाननी थी कि मुझे इसको होल्ड करना चाहिए या मैं और खरीदूं या बेच दूं. श्योर, बिल्कुल आपको राय देना चाहिए. इनफैक्ट हम राजेश जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे उनका सवाल है, 50 ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से 260 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है 264. यहाँ से कौन कौन से लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड टेस्ट कर सकता है विद कमेंसमेंट ऑफ दिवाली? व्हाट्स योर रिकमेंडेशन ऑन SBI? रिकमेंडेशन में अगर धारा साहब अगर आप ये कहते हैं तो मैं उसको कहूंगा जिन्होंने अनंत राज के ऊपर जो सवाल पूछा, उन्होंने 1000 शेयर खरीदे, आपकी दिवाली वाकई रियल दिवाली हो जाएगी. आप जी ग्रुप की कंपनी, सुभाष चंद्रा जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्हीं की कंपनी जी एंटरटेनमेंट को खरीदिए और यहां से आप वही 1000 शेयर खरीदिए. 5% का आप अपवर्ड मूव देखेंगे और देखेंगे 1000 शेयर के ऊपर आप 30,000 रुपए घर पर लेके जा सकते हैं. एंड दिस इज अ श्योर शॉट बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन आई टॉक ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स, और जब फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं तभी मैं बोलता हूं, नहीं तो मैं फिर बोलता नहीं हूं, अपना मुंह बंद रखता हूं. तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि दिवाली का बोनस आपको जो बता रहा हूं बाय जी एंटरटेनमेंट. ऑलराइट, चलिए एक विकल्प आपको और एक्सपर्ट ने बताया है. अनुज हमारे साथ हैं शामली से इस वक्त. अनुज जी गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है आपका. जी मैडम नमस्कार. जी मैडम मुझे जानना है मैं 2 साल के लिए NBCC खरीदू या IDFC बैंक, 2 साल का नजरिया है. ऑलराइट, 2 choices इन्होंने रखी हैं लोकेश, और 2 years का पर्सपेक्टिव है. NBCC हम सुन रहे थे संजीव भसीन को भी, उनकी भी पसंदीदा लिस्ट में था. आपको इन दोनों स्टॉक्स कैसे लगते हैं और अगर 2 years के लिए किसी को इन्वेस्ट करना है, व्हाट डू यू थिंक, NBCC IDFC बैंक क्या करना चाहिए? देखिए पल्लवी, जहाँ पे इन्होंने 2 स्टॉक्स की सिलेक्शन की है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगा. दोनों ही स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं. आप कभी मार्केट में अगर इन्वेस्ट करें तो आपका इन्वेस्टमेंट जो साइकिल है और सेकंडली जो आपका इन्वेस्टमेंट टूल है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए. तो NBCC इज अ वेरी गुड कंपनी और मैं ये कहूँगा कि IDFC बैंक इज ऑल्सो वेरी गुड. अगर आपका 2 साल का नजरिया है आप तो बाय ऑन डिप्स नीति को अपनाएं. यू कैन सी 10-15% अपसाइड इन बोथ द स्टॉक. तो दीज बोथ द स्टॉक्स आर गुड फॉर इन्वेस्टमेंट्स. श्योर, होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट, ऐसा लोकेश की राय है. मूविंग ऑन, अगला SMS आया है मिस्टर हर्ष शाह का फ्रॉम अहमदाबाद. राजेश जी उनका सवाल है एडवांस्ड एंजाइम्स पर, उनकी परचेज प्राइस है 2,240 और लेवल्स. हालांकि उनका क्वेश्चन इज नॉट दैट क्लियर, बट फंडामेंटली गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कितने और इनके इन्वेस्टमेंट में इनको बेटर रिटर्न कब तक देखने मिल सकते हैं? हर्ष बाबू का जो सवाल है, धारा साहब आप भी जानते हैं, यू ऑल्सो नो द बेसिक फंडामेंटल की जो कंपनी स्टार्टअप्स होती हैं वो बेसिकली वेंचर कैपिटल फंड्स और प्राइवेट इक्विटी का पैसा लेती है. आइडिया ये होता है कि 10 कंपनीज में प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल अपना पैसा लगाते हैं इन स्टार्टअप्स में. टाटाज और बिरलास को और इनको अंबानीज को तो इस पैसे की जरूरत नहीं, उनके पास अपना ही पैसा रिजर्व में बहुत है. तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि 10 कंपनीज में से 9 कंपनीज अगर फेल हो जाए, 1 कंपनी हिट हो जाए तो इनफैक्ट दे मेक देयर मनी. तो यहां पे जो स्टार्टअप्स हैं उसमें ये जो पैसा लगाते हैं, और दिस इज द गेम विच इज बीन प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज फार एज वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इज कंसर्न. तो एडवांस एंजाइम्स में ऐसा उन्होंने क्या डिस्कवर किया है विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ? तो मैं ये कहता हूं कि आपके पास इससे और अच्छे अच्छे आपके पास ये हैं. तो अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो यू डेफिनेटली मेक प्रॉफिट, बट यहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल ऑफ इट, तो वो उसको आप फॉलो करिए. ऑलराइट, अगले दर्शक हैं जावेद, गुजरात से जुड़े हैं. नमस्कार जावेद, पूछिए क्या सवाल है आपका. गुड आफ्टरनून, बताइए सर.
हाँ, तो पहले मैं ये कहना चाहिए तांबे साहब बहुत दिनों के बाद आया है, क्या छुट्टी पे थे? इसका जवाब तो राजेश तांबे दे पाएंगे, लेकिन आप अपना सवाल पूछें, कौन से स्टॉक पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? जेएम फाइनेंस 100 शेयर 75 पे और म्यूजा इंटरनेशनल 95 पे 100। ठीक है, और नजरिया क्या है, कितने टाइम के लिए आपने रखा है जेएम फाइनेंशियल? 1 से 2 महीने का। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी लेना चाहेंगे लोकेश यहाँ पर। जेएम फाइनेंशियल, इन्होंने बताया 75 की इनकी खरीद है और 85 ऑर्डर लेवल्स के आसपास ये है, हालांकि आज अच्छी बाइंग इसमें दिख रही है, दिन के ऊपरी स्तरों पर 5% की मजबूती है। क्या सलाह रहेगी 1 से 2 महीने के लिए, क्या टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगे इन्हें? देखिए पल्लव जी, अगर जेएम फाइनेंशियल की टेक्निकल चार्ट को स्टडी करते हैं, वी सी अ सेकंड लेग ब्रेकआउट इन द स्टॉक्स इन द वीकली एंड मंथली चार्ट, सो साफ साफ इंडिकेट करता है द मोमेंटम विल कंटिन्यू। आप 89 रुपीज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए फॉर इमीडिएट टारगेट्स ऑफ 88 to 90 ऑन द अपसाइड। श्योर, इनफैक्ट अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर अजय त्रिवेदी। इनफैक्ट थाने से मैसेज आया है मिस्टर अजय का, उनका सवाल है राजेश जी, बिनानी इंडस्ट्रीज पर 3000 और शेयर्स एट 112 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है, बिनानी इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट इफ यू कैन जस्ट इलाबोरेट मोर ऑन दैट, और इनकी इन्वेस्टमेंट से उनको बने रहने की सलाह देंगे आप? नहीं, यहाँ पे तो मैं इनको एग्जिट की सलाह दूंगा, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि इनफैक्ट जब मार्केट्स आर नॉट एट ऑल एब्सोल्युटली इमर्जिंग मार्केट्स हैं इंडिया में, कंडीशंस बड़े अच्छे हैं, तो यहाँ पे तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इसमें से आप एग्जिट करिए, और यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए यू कैन हैव वेरियस पॉसिबिलिटीज, जैसे आप अरविंद मिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यू कैन इन्वेस्ट इन एक्साइड इंडस्ट्रीज एज फार एज द ऑटो एंसिलरीज कंसर्न, यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द टाटा ग्रुप कंपनी विच इज यू नो हैविंग अ मोनोपोली काइंड ऑफ थिंग, जिसका लार्जेस्ट मार्केट शेयर है चाय में, टाटा ग्लोबल। तो यहाँ पे मैं धारा साहब उनको ये कहूँगा कि एग्जिट करिए और इन कंपनीज में, इन ऑप्शंस में आप वर्कआउट करिए शॉर्ट टर्म के लिए। ऑलराइट, गणेश हैं हमारे साथ मुंबई से। गणेश जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, गुड आफ्टरनून मैम, एक पीएसएल कंपनी है, पीएसएल जी जी, तो मैम पीएसएल एक टाइम पे कुछ 55 और 60 रुपए पे हुआ करता था, तो मुझे राजीव साहब साहब से जानना है कि अभी इस कंपनी में प्रॉब्लम क्या हो गया? पीएसएल मैडम, पीएसएल और आपने कितने शेयर्स खरीदे हुए इस कंपनी के? मैडम मैंने इसको अभी लो पे खरीदा था, कुछ जब 5.6 या 5.7 पे गया था, जब ये 50 और 60 पे होता था तो लोग इससे एडवाइस देते थे निवेश करने की, इस कंपनी में प्रॉब्लम क्या हो गया? ठीक है फंडामेंटली अब राय जाना। और मैं फाइनेंशियल गुरु राजेश साहब को वेलकम करता हूँ। ओके थैंक यू मैम। चलिए बिल्कुल, आपका सवाल लेते हैं राजेश जी, पहले तो ये आपको वेलकम करना चाह रहे हैं, साथ ही पीएसएल यानी कि स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स बनाने वाली ये कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं? जैसा इन्होंने बताया कि काफी स्टॉक में गिरावट हो चुकी है, ये बहुत ही लो वॉल्यूम स्टॉक है, ज्यादा एक्शन में भी नहीं रहता है, फिलहाल इसकी जो प्राइस है वो लगभग 6.85 रुपए के आसपास है, इनकी खरीद और भी नीचे है, यानी इन्होंने गिरावट की वजह से इस पेनी स्टॉक को खरीदा है, पहले तो इनको सलाह क्या होगी और अगर इस कंपनी के बारे में आप कुछ व्यू शेयर करना चाहें? मैं ये कहूँगा इसको आप होल्ड करके रखिए, देखिए हर चीज़ की अपनी अपनी साइकिल है, आपने देखा पेट्रोकेमिकल्स में भी अब साइकिल अप आ गई है, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग दैट एवरी इंडस्ट्री, एवरी सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री इज ऑलवेज गॉट अ साइकिल, जैसे इंसान की अपनी साइकिल है उसके ऊपर भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इकोनॉमीज में भी साइकिल्स हैं। सेकेंड थिंग, जैसे आपने कहा कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, 7000 कंपनीज में से आई कैन टेल मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज इन इंडिया आर हाईली लिवरेज, उनका डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल प्रूडेंट नहीं होता है, तो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम विद ऑल दीज कंपनीज इज, और जब कंपनीज का डेट इक्विटी हाई होता है, गोइंग इज गुड, तो उनको लगता है कि हम और पैसा रेज कर लेंगे, प्रोजेक्ट्स हम इंप्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन जब वो डाउनवर्ड साइकिल आती है तब उनके पास पॉकेट्स इनके डीप नहीं होते हैं, दे आर नॉट एबल टू रेज फाइनेंसेस, दे डोंट हैव फ्रेंड्स अक्रॉस द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो उनको वो ह्यूज अमाउंट उनको रेंडर कर सके, तो वहां पर वो फंस जाते हैं। तो यहीं पे ये मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जो हाई इसमें जो जोन्स में ये जो कंपनी चलती है यही इसकी प्रॉब्लम है, बट अभी जैसे सरकार है इन सब कंपनीज के ऊपर अपना जो कस रही है, बैंक्स आर ट्राइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, सो दिस इज अ वेरी गुड मूव विच इज बीन डन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे मैं इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि दिस इज अ वेरी गुड मूव व्हाट दे हैव इनिशिएटेड, तो यहाँ पे इसको आप होल्ड करिए क्योंकि लॉस में बेचने से आपको फायदा क्या? होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट्स इन पीएसएल, ऐसा राजेश तांबे की राय।